किसी को पॉलिटिक्स सीखनी हो तो भगवान राम से सीखे, किसी को प्रेम करना सीखना हो, मालिक का व्यवहार कैसा हो, तो वो भगवान राम से सीखे। जब विभीषण जी को रावण ने घर से निकाल दिया, अपने राज्य से निकाल दिया, आप सबको ज्ञात है कि विभीषण जी रावण से, रावण की इस व्यवहार से बड़े दुखित हुए। बार बार समझाए अपने भाई को, मान जाओ वो भगवान है, उनकी शरण में चले जाओ। रावण नहीं माना। विभीषण जी पहुंचे कहां पर, जहां पर भगवान राम बैठे हुए थे। और जैसे ही भगवान राम के पास विभीषण जी पहुंचे, वहां जाने के पश्चात भगवान के जितने दूत थे, उन दूतों ने सूचना जब भगवान को दी, तो भगवान ने सीधे से कहा विभीषण जी को भीतर प्रवेश कराओ, दर्शन करिए। भगवान राम एक शिला पर बैठे हुए हैं, एकदम शांत अवस्था में। विभीषण जी पहुंचे और जैसे ही विभीषण जी को भगवान राम ने देखा, पहला शब्द भगवान का यही था, कहो लंकेश आप आ गए। अगर ऐसा भगवान राम ने बोला होगा तो कल्पना करिए, जिस समय भगवान के मुख से यह शब्द निकला होगा लंकेश, विभीषण जी को विश्वास नहीं होगा। विभीषण जी पीछे मुड़ के जरूर देखे होंगे कि कहीं मेरे बड़े भाई तो नहीं आ गए, क्योंकि लंकेश तो रावण ही था। लेकिन लंकेश रावण को नहीं बल्कि विभीषण जी को भगवान ने कहा, कहो लंकेश आ गए आप, आपके घर में सब कुशल मंगल तो है। विभीषण जी ने भगवान का जो जो प्रेम देखा, और ध्यान दीजिए भगवान राम पहली बार मिल रहे हैं विभीषण जी से, और बिठाया कहां, जिस शिला पर राम जी बैठे थे उसी शिला के बगल में बिठाया, अपने बगल में बिठाया। कितना भी विभीषण जी हैं तो शत्रु के भाई, जिससे वो युद्ध करने जा रहे हैं, और उस शत्रु के भाई को भगवान राम इतने प्रेम से कहते हैं लंकेश मेरे पास बैठी। भगवान राम ने अपने पास बिठाया और बिठा करके सिर्फ योजनाएं नहीं पूछी कि हम रावण पर विजय कैसे प्राप्त करें, लंका में कितने द्वार हैं, कितने सैनिक लगाए जाए, ये सब कुछ नहीं पूछा। ध्यान देने योग्य बात है, भगवान राम ने पहले पूछा, आपको रावण ने घर से बाहर कर दिया है, हमें सूचना प्राप्त हुई, आपके बाल बच्चे परिवार तो ठीक है, पत्नी तो ठीक है, इस समय आपके पास घर नहीं है, सब कुशल मंगल तो है, अब आप बताओ जिससे पहली बार हम मिल रहे हैं और हमारा मालिक अगर हमारे परिवार के विषय में, हमारे बच्चों के विषय में पूछने लगे, तो वो सेवक भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो। एक मालिक का यही धर्म है कि वो अपने सेवक के मन मस्तिष्क में अगर अपना आत्मविश्वास नहीं डाल पाया तो वो अच्छा मालिक नहीं है। एक अच्छा पति वही है जो अपने पत्नी के मन में, हृदय में अपने प्रति आत्मविश्वास पैदा कर दे, ये पति का धर्म है, ये मालिक का धर्म है। अगर सेवक को विश्वास हो गया, अगर पत्नी को विश्वास हो गया इतना कि मैं जो कुछ भी हूं, मेरे जीवन में जो कुछ भी होने वाला है, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे स्वामी मेरे साथ है। एक सेवक को विश्वास हो गया मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों, मेरा मालिक खड़ा है। ये आत्मविश्वास जिस दिन आ गया, आप समझ लो वही सच्चा मालिक है। लोग वोट मांगते हैं, लोगों का मत मांगते हैं, देखा जाए तो राम जी से सीखिए, लोगों का मत नहीं, लोगों का मन मांगो। अगर आपने मन को जीत लिया तो आप मत भी पा जाएंगे। भगवान राम ने किसी का मत नहीं लिया, भगवान राम ने सबका मन लिया, और परिणाम भगवान राम विजयी हुए। उनके सभी सेवकों को विश्वास है, जो आज लोग जाति पाति की बात करते हैं, भगवान राम से सीखे। भगवान राम जिस दंडकारण्य में रहते थे, उसे थोड़ी दूर पे भगवान राम का ननिहाल था, कौशल देश। भगवान चाहते तो अपने मामा जी से सहायता ले सकते थे, मामा जी थोड़ी मेरी सहायता कर दो, थोड़े सैनिक भेज दो, क्योंकि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, ऐसा कर सकते थे। हम आप होते तो निश्चित रूप से सहायता लेते, पर भगवान राम ने ऐसा नहीं किया।
भगवान ने राम ने किसको जोड़ा? भगवान राम ने अपने किसी हित मित रिश्तेदार को नहीं जोड़ा। भगवान के साथ रास्ते में जितने कोल भील बंदर मिलते गए उन सबको जोड़ा, जितने निम्न वर्ग के लोग थे उनको जोड़ा। भगवान ने सभी बंदरों को जोड़ा, जितने निषाद थे जितने कोल भील थे उन कोल भीलों से प्रेम किया, उन्हें सम्मान दिया। और आज लोग बात करते हैं, हम आपस में बात करते जाति पाति की। भगवान राम चल के जाते हैं माँ शबरी के पास, भगवान राम चल के जाते हैं निषाद जी के पास, जिस निषाद जी को देखते ही लोग अपना रास्ता बदल देते थे, उनकी छाया तक नहीं चाहते थे। उस निषाद राजगुरु को भगवान राम ने अपना मित्र बनाया, अपने हृदय से लगाया। भरत जी ने अपने हृदय से लगाया। ऐसा है भगवान राम का चरित्र। भगवान केवट जी के पास जाकर के उनके हाथों से अपने पांव पखरवाते हैं। ऐसा है राम जी का चरित्र। भगवान राम अद्भुत हैं। अगर जीवन जीना सीखना हो तो भगवान राम से सीखो। कहते भगवान राम और कृष्ण से दो ही चीजें में प्राप्त होती है,